बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सैकड़ों साल पुरानी कुत्ते की कब्र है। इतना ही नहीं, बाकायदा यहाँ मंदिर बना हुआ है और कुत्ते की इस कब्र की पूजा की जाती है। हमारी टीम ने पूरी पड़ताल करके एक रिपोर्ट तैयार की। आप भी देखिए कि लोगों की नज़र इस मंदिर के आखिर क्या कुछ मान्यता है। कहा जाता है कि ईश्वर के लाखों हजारों रूप हैं। ईश्वर की आप जहाँ पूजने लगो वो आपको वहीं उसी रूप में मिल जाता है। बात यहाँ तक भी सही है कि ईश्वर हर इंसान में छुपा है। हमारी टीम को एक ऐसी जानकारी मिली जिस पर एकदम से यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। टीम को जानकारी मिली कि बुलंदशहर में एक ऐसा भी मंदिर है जिस मंदिर में कुत्ते की कब्र बनी हुई है, जिसके बाद टीम सच की पड़ताल करने के लिए मौके पर पहुंची। तो हमारी टीम को यहां न सिर्फ कुत्ते की कब्र मिली बल्कि बाकायदा कुत्ते की कब्र और मंदिर भी मिला। आप तस्वीरों में जिस मंदिर को देख रहे हो, ये मंदिर दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा यूपी के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद जीटी रोड पर स्थित है। वैसे तो ये मंदिर लटूरिया बाबा का है, लेकिन इसे पहचाना जाता है कुत्ते की कब्र के नाम से, क्योंकि इस मंदिर में बाबा लटूरिया की समाधि के साथ कुत्ते की कब्र भी बनी हुई है। हम आपको ये जरूर समझाएंगे कि इस मंदिर में कुत्ते की कब्र क्यों बनाई गई, लेकिन इससे पहले आप इस मंदिर और इसमें बनी कुत्ते की कब्र की मान्यता जान लीजिए। इस मंदिर के लोगों में इतनी मान्यता है कि न सिर्फ बुलंदशहर बल्कि दूर दराज बसे अलग अलग शहरों से भी त्योहारों पर लोग सिकंदराबाद सिर्फ इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। अगर मंदिर में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं की माने तो जो मुराद लेकर लोग इस मंदिर में पहुंचते हैं वो पूरी हो जाती है। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर में कुत्ते की कब्र की पूजा क्यों की जाती है और लटूरिया बाबा की बजाय इसकी पहचान कुत्ते की कब्र से क्यों की जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक सैकड़ों साल पहले यहाँ एक बाबा रहते थे। नाम था बाबा लटूरिया। बाबा के साथ उनका वफादार कुत्ता था जो हर पल बाबा के साथ रहता था, और फिर एक रोज बाबा शरीर छोड़ गए। बाबा की समाधि की तैयारी ही की जा रही थी कि कुत्ता भी उसमें कूद गया। कुत्ते को बमुश्किल समाधि से बाहर निकाला गया, लेकिन दावा किया जाता है कि उसके चंद घंटे बाद कुत्ता जी नहीं पाया और उसकी भी मौत हो गई, जिसके बाद बाबा की समाधि के पास ही कुत्ते की भी कब्र बनाई गई। हमारा नाम करमचंद है जी। ये कम से कम 40-45 साल से हम यहाँ सेवक करते हैं जी, सेवा करते हैं आपके बाबा की। मान्यता ये है जी, यहाँ के हमारे लटूरिया बाबा जी थे जो बहुत पुराने बुजुर्ग थे और बहुत ही वृद्ध शरीर था उनका, और वो सेवा करते यहाँ पर रहते थे, और बहुत समय के पहले उनका शरीर पूरा हो गया तो उनके पास एक कुत्ता था, और वो शरीर पूरा होने के बाद में और उन कुत्ते ने भी खाना पीना जलन जल सब छोड़ दिया। उसके बाद में फिर उस कुत्ते की भी हमारे यहाँ हमने समाधि लगाई आज के, और समाधि के नाम से ही फिर हमारी पहले से प्रसिद्ध चले। कम से कम से सैकड़ों साल पुराना आश्रम है हमारा, लेकिन जो 40-45 साल से तो हम स्वयं चले आ रहे हैं देखते हुए। बहुत लोग पूजा करने आते हैं सर यहाँ, बहुत शनिवार के दिन और ये होली दिवाली तो यहाँ मेले की तरह एक तरह बहुत अच्छा जी सर, कुत्ते की कब्र की पूजा होती है सब। ये बिल्कुल सामने स्थान है आपका और बहुत ही अच्छी तरह से। दावा किया जाता है कि इस मंदिर में कुत्ते की कब्र के दिल्ली सहित कई बड़े शहरों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जबकि दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि त्योहारों पर तो इस मंदिर पर मेले जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें यहाँ ये देखने को मिली कि भारत में शायद ही कोई दूसरा ऐसा मंदिर हो जिसमें कुत्ते की कब्र बनी हो। ये जी सैकड़ों वर्ष पुरानी कब्र है। एक बाबा थे जिनका नाम लटूरिया बाबा था, उनका कुत्ता था ये। तो ये बाबा का जब शरीर पूरा हुआ तो वो कुत्ता कागज में जो समाधि में कूदा, समाधि में कूदने के बाद उस कुत्ते को काफ़ी मुश्किल से निकाला, फिर वो बाबा को उसमें समाधि में दफनाया गया। फिर वो कुत्ते ने भी कुछ दिन से खान पीन छोड़ दिया, फिर दो चार पाँच दिन के बाद ही उस कुत्ते ने दम तोड़ दिया। कुत्ते ने जो दम तोड़ दिया फिर उसके बराबर में ही बाबा के बराबर में समाधि कुत्ते के लिए भी बनाई गई, और वो दोनों की समाधि बराबर में है। अब इन लोग कुत्ते की और बाबा की दोनों की पूजा होती है यहाँ, और यहाँ काफ़ी लोग बड़ी दूर से आते हैं। यहाँ बाबा का धुना भी है, बाबा के धुने पर तिलक लगा कर नहीं है बल्कि लोगों की मनोकामना पूरी होती है। लोग हम कह नहीं सकते, काफ़ी दूर से हैं, दिल्ली है, मेरठ है, हापुड़, नोएडा, अलीगढ़, नखलाऊ, जो जो इस बाबा की सुनता है
वो बहुत बहुत दूर से लोग चले आते हैं फिर भी सुबह तक रात में। हम भी पूजा करते हैं जी होली दिवाली पर, यहाँ काफी मेला सा लगा रहता है। बाबा की गुड़ और चादर चढ़ती है। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी उच्च पे हूँ, भगवान का सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।